हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन व्लॉगर उषा। तो दोस्तों, आज मैं बहुत डरी हुई हूँ और जैसे कि डर आपको मेरे फेस पे बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा, तो ये वीडियो मैं बहुत डर से बना रही हूँ क्योंकि पूरी रात कल किसी ने मुझे धमकी दी है, मुझे कमेंट पे कमेंट किया है, मुझे बोला है कि भाई तुम्हारे इस चैनल को हम डिलीट करवा के ही रहेंगे और जितने भी तुमने हेट कमेंट किए हैं गधी के लिए, वो सारे के सारे कमेंट को इकट्ठा किया गया है और उनको सबको रिपोर्ट करके मेरे इस चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगी, भाई साहब आप जो भी हो, एक पल के लिए तो मुझे ये लगा कि आप गधी हो, फिर दूसरे ही पल मुझे कुछ मैंने सोचा, कुछ बातों को मैंने दिमाग में लगाया, मैंने अपना माइंड इस्तेमाल किया, तो फिर मुझे लगा नहीं 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 तुम गधी नहीं हो, तुम उसके भैया हो। ठीक है, तो मैं समझ गई कि मैं समझ गई कि तुम कौन हो। तो मैं बता देती हूँ कि भाई साहब ये जो चैनल है ना, उसको मैंने अपने दम पे क्रिएट किया है, किसी की सिंपत्ति या भीख में नहीं मांगा इस चैनल को। अगर मेरे चैनल पर 5 से 10 व्यूज़ आते भी हैं ना, तो वो व्यूज़ मेरी मेहनत के हैं और ये व्यूज़ मैं अपनी मेहनत से ले रही हूँ। एक व्यूज़ की भी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मेरा ये चैनल डिलीट भी होता है ना, तो इस चैनल से मेरा घर नहीं चलता है, मेरे हस्बैंड कमाते हैं तो मेरा घर चलता है। तीसरी बात, जो ये तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो ना कि तुम मुझे ट्रेस कर रहे हो कि मैं जो भी मेरा चैनल है उसको डिलीट करना बहुत इजी है, तो जो तुमको करना है करो, यूट्यूब भी इतना पागल नहीं है, उसको भी सब चीज़ें देखनी होंगी आगे, ठीक है, चैनल को डिलीट करने के लिए। तो मैं बता दूँ कि ये रायता क्यों फैल रहा है इतना। एक्चुअली मैं गंजू के चैनल पर एक कमेंट मैंने किया था जिसमें गधी की मम्मा ने टी शर्ट पहन रखी थी, तो गंजू उस चीज़ को बार बार एक्सप्लेन कर रही थी कि लोग बोल रहे हैं कि टी शर्ट पहनी है, ये करा है, वो करा है। तो मैंने सिर्फ यही लिखा था, यहाँ पे मैं कमेंट लगा देती हूँ कि मैंने सिर्फ यही लिखा, मैंने यही कहा था कि भाई टी शर्ट पहनना गलत नहीं है, लेकिन अगर टी शर्ट आप किसी और दिन पहनते तो लोग इतना नहीं बोलते, लेकिन उस दिन आपके दामाद जी की बरसी थी तो उस दिन आप टी शर्ट पहने तो लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई कैसी फैमिली है, मतलब जो चीज़ें इनको करनी चाहिए वो नहीं की, इन्होंने बरसी के नाम पर कुछ भी नहीं करा, उस बंदे को श्रद्धांजलि तक नहीं दी जिसके नाम की ये लोग रोटी खाते हैं, पूरा परिवार जिसके नाम की खाता है, इन्होंने कुछ नहीं किया उसके नाम पे, उस इंसान के नाम पे, उस आत्मा के नाम पे, लेकिन ये लोग बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अपना हम्बर वम्बर बना के अपना भाई इंजॉय कर रहे हैं, बेटी सुबह उठ के मैगी खा रही है, लेकिन पत्नी का एक धर्म जो होता है ना वो नहीं किया उसने। तो नॉर्मली लोगों को जो चीज़ें फील हुई, इवन उनके जो सपोर्टर हैं, जो उनके भक्त हैं, उन्होंने भी उनसे वही सवाल जवाब किया, तो सब ने वही सवाल जवाब किया, तो भाई इसमें गलत क्या है, अगर आप गलत दिखाओगे तो आपको लोग गलत बोलेंगे। तो मैंने तो बस नॉर्मल सी एक बात कही थी, मैंने तो वहाँ पर इस कमेंट में मैंने कहीं ये नहीं लिखा है कि भाई सीनियर सिटीजन को टी शर्ट पहनने का कोई राइट नहीं है। भाई ये अब इंडिया है, सबको अधिकार है किसको क्या पहनना है, किसको क्या नहीं पहनना है, और मेरे कहने के हिसाब से क्यों कोई कपड़े पहनेगा, मेरे कहने के हिसाब से क्यों कोई कहेगा। मैंने तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था और सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है, मेरे एक अकेले का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। उस भाई उस मैसेज उस कमेंट को मैंने क्या कर दिया, ये आदमी मेरे पीछे ही पड़ गया, तुम्हें तो तुम्हारे हस्बैंड के साथ ऐसा हो रहा, तो तुम ऐसे करना वैसे करना, भाई तू मेरे हस्बैंड तक पहुँच गया, तू अपने लिमिट में रह के बात कर, तुम लोगों में कितनी गंदगी है भगवान, तुम लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि दे, किसी भी इंसान के लिए तुम लोग इतना गंदा बोल कैसे लेते हो, इतना गंदा कह कैसे लेते हो, जो इंसान गंदगी कर रहा है पूरे यूट्यूब पे उसको समझाने के बजाय तुम लोग हमें आ रहे हो समझाने के लिए, हमने क्या गलत बोला भाई, जो तुम दिखा रहे हो वही चीज़ हमने गलत क्या बोला उसमें, तुम तो हमारे पीछे हाथ धोके भाई पूरी रात ये इंसान मेरे पीछे पड़ गया, मुझे मैसेज कमेंट पे कमेंट कमेंट पे कमेंट कमेंट पे कमेंट कर रहा है, तुम्हारा चैनल देखा जा रहा है, दोबारा तुम मैसेज कर मत करना, तुम और मैसेज करो, तुमको तो ये पता ही नहीं है कि तुम किसको मैसेज कर रही हो, अरे मुझे तो हंसी आ रही है, अरे तुमसे ज़्यादा हंसी तो मुझे आ रही थी, मैंने कहा यार क्या इंसान है ये। कल रात मैं थोड़ी ज़्यादा लेट जगी रहेगी इस वजह से, क्योंकि भाई मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड कर दिया जो मैं काम कर रही थी रात में, ठीक है, तो मैं इसलिए जगी हुई थी, इसलिए मैं तेरी बातों का जवाब भी दे रही थी, अब सुन, ठीक है, तो इसी वजह से मैं तेरी सारी बकवास का भी जवाब दे रही हूँ। ये काम दिया गया है कि कौन कौन उसके लिए क्या बोलता है, कौन कौन क्या नहीं बोलता है, आपको क्या पेरोल पर रखा गया है, आपको पेमेंट मिलती है इस चीज़ की कि आप देखो कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। अगर इतना ही आप देखते तो जो एसेस वायरल किया था गधी ने, अपने लिए इतने अश्लील एसेस वायरल किए थे, उस गंदी वेबसाइट पे लोगों को ट्रांसफ़र किया था, तब उसको जाके इंसाफ दिलाते तो भाई तुम्हारी बात में कोई दम होता। तुम यहाँ पर हेट कमेंटर को उठा उठा के पकड़ रहे हो और तुम उनके चैनल को डिलीट करवाने के लिए उल्टे पुलटे काम कर रहे हो, तो इतना ही तुम्हारे अब इतनी ही तुम्हारी पावर थी तो तुम उसको इंसाफ दिलाते ना। वो बेचारी गई और वापस आ गई और उसने ये कहा कि मुझे तो ये बोल दिया गया है कि भाई ये ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, देखो कितने फाइलें हमारी ओपन पड़ी हुई हैं, इंसाफ नहीं मिला तो तुमको इंसाफ कहाँ से मिलेगा, ये बोल के वो वापस आ गई अपनी कंप्लेन लेके। तो ये फालतू की बातें ना हमारे सामने मत बोलना, ठीक है, अपनी बकवास अपने तक ही रखो।
बाद और इसने मुझसे कहा कि अब तुम मैंने तो तुमको आइडिया दिया है, तुम कम्युनिटी पे डाल दो, तुम तो इन्फ्लुएंसर हो, तुम तो व्लॉगर हो, मैं तो तुमको कमेंट कर रहा हूँ, तुमको जो करना कर लो। तो भाई साहब तेरे हिसाब से काम नहीं करूँगी मैं, अपने हिसाब से काम करूँगी, ये मेरा चैनल है, मैं मेरा मन करेगा मैं लाइव भी आऊँगी इस बात को लेकर, मेरा मन करेगा मैं वीडियो भी डालूँगी, मेरा मन करेगा मैं कम्युनिटी पर भी डालूँगी, मेरा मन करेगा 10 वीडियो और बना दूँगी इसके ऊपर। तो ये मेरा चैनल है, मेरा मन जो करेगा मैं वो करूँगी, ठीक है। तो मुझे एडवाइस मत देना इस बात के लिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। तो गाइज मैं यहाँ पे वो सारे स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ जो इसने कल रात को बकवास किए थे, उसका मैंने इसको जवाब भी बहुत अच्छे से दिया है।